बीएसपी की 13वीं सूची जारी, 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी भी हर रोज अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है। पार्टी की ओर से गुरुवार देर रात को एक और सूची जारी की गई है, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में बसपा ने कुल 7 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, जबकि 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। एक दिन पहले जारी सूची में इन्हें मिला था मौका। इसके अलावा बसपा ने सिंगरौली में चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, श्योपुर में विहारी सिंह सोलंकी, टीकमगढ़ में सीताराम लोधी, पृथ्वीपुर में रमन पस्तोर, पन्ना में विमला अहिरवार, सुसनेर में नवीन मिश्रा, सोनकच्छ में मुकेश सोनगरा की जगह बाबूलाल चौहान, हाटपिपल्या में मुकेश सोनगरा, इंदौर 4 में सत्यनारायण बिंदौरिया, इंदौर 5 में मनोहर विजोले, नागदा खाचरौद में करण सिंह और सागर में कुसमोही जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा असर? उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्र में बसपा चुनावी नतीजे पर खासा असर डालती है। राज्य के उस इलाके पर गौर करें जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, मसलन ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड। यह वो इलाके हैं जहां की लगभग 3 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई हैं। इन सीटों पर मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, मगर बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले वोट नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।